अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक हैं? वेरी गुड। सो आज मैं आपको छोटी अशकाल की कहानी सुनाऊंगी। आपको मैंने पहले बड़ी अशकाल की कहानी तो सुनाई थी ना, जैसे आपने बड़ी अशकाल की कहानी सुनी सी, बे की कहानी, पे की कहानी, ते की कहानी, टे की कहानी और से की कहानी। अब इन्हीं हरूफ की छोटी अशकाल की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है? आपको पता है बे से तक सब हरूफ की अशकाल की आपको पहचान हो गई है? बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको सबकी पहचान हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हर घर में बड़े बहन भाई भी होते हैं और उनके छोटे बहन भाई भी होते हैं। जैसे कि अगर आप घर में बड़े हो तो आपके ज़रूर कोई छोटे बहन भाई भी होंगे, है ना? तो छोटे बहन भाई जो हैं वो आपसे छोटे होंगे और आप जो हैं वो बड़े होंगे। इसी तरह मैं आपको इन बड़े और छोटे हरूफ की कहानी सुनाऊंगी। जैसे कि बे जो है वो बड़ा है और उसका छोटा कौन है? उसका छोटा बिल्कुल उसी जैसा है, लेकिन बे थोड़ा बड़ा है, जबकि बे की छोटी शक्ल बिल्कुल उसके जैसी है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी है, उससे थोड़ी सी छोटी है। देखें, ये बे है और इसके नीचे एक नुक्ता है, और इसकी छोटी शक्ल बिल्कुल इसके जैसी है, उसके नीचे भी एक नुक्ता है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी है। जी, वो जो है वो थोड़ी सी छोटी है। और बे की छोटी शक्ल की क्या आवाज़ है? बे की छोटी शक्ल की आवाज़ है बा। जैसे बे है और बे की छोटी शक्ल की आवाज़ है बा, ठीक है? अब आपने याद रखना है कि बे जो है वो बड़ा है और उसका छोटा बहन भाई जो है वो है बा, और वो बिल्कुल उसी जैसा है, बस थोड़ा सा छोटा है। यस। और अब अगला हमारा बड़ा भाई कौन है? पे। और पे का छोटा बहन भाई को हम क्या कहते हैं? पा। और ये भी बिल्कुल उस जैसा है, बस क्या है, थोड़ा सा छोटा है, और इसके नुक्ते भी पे जितने ही हैं। पे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। और प के नुक्ते भी हैं तीन। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा है ते। ते का छोटा छोटा भाई है त, और इसकी भी बिल्कुल शक्ल ऐसी है और उसके नुक्ते भी ऐसे ही हैं जैसे ते के नुक्ते होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है टे। टे के ऊपर क्या होती है? टे के ऊपर होती है टोपी। हाँ जी, टे के ऊपर होती है टोपी, और उसका छोटा भी बिल्कुल उसी जैसा है और उसके ऊपर भी है टोपी, बस क्या है, वो थोड़ा सा छोटा है। और उसकी साउंड क्या है? टे की साउंड है ट। वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट है से। से के ऊपर कितने नुक्ते थे? से के ऊपर थे तीन नुक्ते, तो से के छोटी शक्ल के ऊपर भी हैं तीन नुक्ते, और बस वो क्या है, थोड़ा सा उससे छोटा है, बिल्कुल उसी जैसा है और उससे थोड़ा सा है छोटा। और उसकी क्या है आवाज़? उसकी आवाज़ है स। सो अब मेरे साथ छोटी अशकाल की आवाज़ें निकालें। क्या आवाज़ होती है? ब प त ट स। वेरी गुड। सो अब आपको उसकी छोटी शक्लों की आवाज़ भी पता चल गई है। बड़ी शक्ल को तो हमें पता थी कि उनको हम कहते हैं बे, पे, ते, टे, से, और उनकी छोटी शक्लों को कहते हैं ब प त ट स। वेरी गुड। और ये छोटी शक्लें कब हमारे काम आती हैं? ये छोटी शक्लें हमारे काम तब आती हैं जब हमने इनको मिला के हमने इनसे अल्फाज बनाने होते हैं, ठीक है? ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपको
आपको ज्योतिष काल के बारे में भी समझ आ गई होगी। अब हम जब नेक्स्ट लेटर करेंगे जीम वगैरह, तो हम उसकी छोटी शक्ल भी आपको उसी वक्त बताएंगे। अभी आप ब प त ट स को याद रखें और इनकी छोटी शक्लों को भी याद रखें। बाय बाय।